इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अग्निपथ योजना में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट में हो याचिकाओं पर सुनवाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि हाई कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हो। तो ये बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए, इसी मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। दिल्ली पटना समेत 5 हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई हो, हाई कोर्ट से फैसला आए वही बेहतर होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाई कोर्ट में हो याचिकाओं पर सुनवाई, अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं लगाई गई हैं, हाई कोर्ट का फैसला पहले आना बेहतर होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, विस्तार से बताइए, ये अग्निपथ योजना के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हुई थी सुनवाई के लिए, जिसमें अग्निपथ योजना पर रोक और उसे रद्द करने जैसी मांगे थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट को जानकारी मिली कि कुल 5 हाई कोर्ट हैं, दिल्ली, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कुल पटना, ये 5 हाई कोर्ट है जहां पर कि मामले इसी तरह के लंबित है, कई याचिकाएं लंबित हैं। कोच्चि में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है, वहां भी किसी ने अप्रोच किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो हम अपने पास ट्रांसफर कर ले सारे मामलों को, या फिर बेहतर हो कि इतने जटिल मामले में किसी एक हाई कोर्ट का व्यू हमको देखने को मिले, ताकि आगे सुनवाई में हमें मदद मिले। तो उस हाई कोर्ट के तौर पर चयन किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास जो लंबित जो मामले थे वो दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिए हैं, और सभी जो हाई कोर्ट जो दूसरे हाई कोर्ट में जो याचिका करता है उनसे कहा है कि वो चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के लिए वहां पर आवेदन दे दें। यानी अब पहले दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तमाम याचिकाओं की, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो मतलब अब ये मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में आगे बढ़ेगा निपुण? बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट में पहले मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में भी अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन आएगा इस मामले में तो हम उसे दिल्ली हाई कोर्ट ही भेजेंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट कितने समय में सुनवाई करेगा या क्या, ये एक बार लिखित आदेश में देखना पड़ेगा हमें। लेकिन फिलहाल जो आदेश पढ़ा जा रहा था कोर्ट में, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने कोई समय सीमा भी तय की है दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन फिर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां तो शुरू होने की प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुकी है देश में, तो ऐसे में क्या ये याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत के संज्ञान में बात रखी गई? याचिकाकर्ताओं ने कई बातें कही, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एप्लीकेशन ये भी है कि जो पहले से एयरफोर्स और कुछ और दूसरी सेनाओं में जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जो समाप्ति की ओर थी, लोग चयनित हो गए थे उसमें, उनको कम से कम पुरानी योजना के हिसाब से नौकरी दी जाए, ये आवेदन भी है। कोर्ट को पता चला कि ऐसा आवेदन दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार यही मत था कि जितनी भी बातें इस तरह की हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही पहले रखी जाएं। और देश के जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि आपने बताया किस तरीके से देश की 5 हाई कोर्ट्स जहां पर ये अलग अलग मामले लंबित हैं, तो वहां पर भी ये मामले चलेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में अलग, और बाकी पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट या केरल हाई कोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जहां जहां ये याचिकाएं लगी गई हैं अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई, उसको रद्द करने या उस पर रोक लगाने वाली, तो वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में चलेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग अलग हाई कोर्ट में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली हाई कोर्ट में ही कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मामला बहुत सारे फोरम में सुना जाए। ना सिर्फ 5 हाई कोर्ट बल्कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो कोच्चि में है वहां पर भी मामला लंबित है, यानी 6 जगहों पर सुनवाई हो एक मामले की, वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो हम अपने पास ले लें, या कम से कम हम इतना देखें कि किसी एक हाई कोर्ट का व्यू हमारे सामने हो जब हम सुनने के लिए इस मामले को बैठे, तो वो हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट हो सकता है, क्योंकि पहली याचिका जो किसी हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी। तो इन बाकी हाई कोर्ट्स में जितनी याचिकाएं लगाई गई थी अब वो सब दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगी, और दिल्ली हाई कोर्ट में पहले सुनवाई होगी और उसका व्यू सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे सुनवाई कर सकता है, यही है पूरी तस्वीर निपुण? यही तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो जो लोग दूसरे हाई कोर्ट में, यानी दिल्ली के अलावा जो और 4 हाई कोर्ट है वहां याचिका करता है, वो आवेदन देकर अपना मामला दिल्ली हाई कोर्ट पे लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अग्निपथ पर पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो, ये साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, आपके पास क्या अपडेट है?
जी देखिए रोमाना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था वो यही पहुंचा था, क्योंकि जो देश के अलग अलग राज्यों में मामला है, अलग अलग हाईकोर्ट में मामला है, जिस बात का जिक्र निपुण ने किया ना कि वहां पर जो याचिकाकर्ता थे उनकी मुख्य दलील ये थी कि देखिए अलग अलग हाईकोर्ट में मामला है और वहां से अभी कोई सुनवाई हो नहीं रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और रोक लगा दे, यानी कि फिलहाल के स्टे कर दे, इस तरीके की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा कि देखिए देश के अलग अलग हाईकोर्ट में मामला है, अलग अलग जगह सुनवाई चलती रहेगी, आदेश आते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। और खुद जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने भी, यानी कि केंद्र सरकार के वकील, उन्होंने भी यही कहा कि 5-6 जगह पर मामले की सुनवाई से अच्छा कि एक जगह पर मामले की सुनवाई हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर अब जितनी याचिकाएं लगी थी देश के अलग अलग हाईकोर्ट में, सबकी सुनवाई एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट में पहले होगी, यही आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।